गुरु स्वारी संगत जी, देयर इज अ कार वी हैव टू मूव CFTB 233, प्लीज मूव दिस कार, थैंक यू। वाहिगुरु जी तेरे कवन कवन गुण कह कहे गाव, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना, जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दा समा सी मान रहे हैं। रोजाना दे दीवान जिन्हां अंदर आसा की वार दा कीर्तन होया, उपरंत अरदास दी शमूलियत दे नाल अज दा गुरुवाक गुरु हुकम अजे हुणे असी सरवण कीते ने। पावन बचना दे पाठ आपने सरवण कर ले ने, पाठ दा दोहराव हुण नहीं होएगा। अगलेरे बनदे समय विच इन्हां गुरुवाकां दी असी तकरीर करांगे, विचार करांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल गुरुवाकां दे विचार प्रारंभ करिए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान करनी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। अज दा गुरु हुकम राग सूही विचों आ रहा है, जो समुचा सिरनामा है राग सूही महला तीजा कर पहला, अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग विच गुरु अमरदास पातशाह नानक जोत दा तीसरा जामा इन्हां बचना नूं उचारदा है। कर पहला गायन करन वास्ते हिदायती संकेत ने। जदों भी राग विद्या दे माहर इन्हां बचना दा गायन करन तां जिथे सुर मुजब जिहड़े मेलोडियस नोट्स हुंदे ने उन्हां लई सूही नूं प्रयोग करना आ, नाल ही रिदम थाप लई पहले घर नूं यूज करना हैगा। अष्टपदियां दो समासां दे सुमेल नाल बनिया एक शब्द है अष्टपदियां। अष्ट दा मतलब अठ, पदियां दा मतलब पैरे स्टेंजा जिन्हों असीं कहिंदे आ। सो ये लमेरा शब्द है, ये अठां पदियां नूं कैरी कर रहा है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। अते उस परिपूर्ण हस्ती दी जो सब कासे च मौजूद है ते जिदे करके सब कुछ आ, उहदे नाल सुरत्याब होण वास्ते उहदे बाबत असी अवेयर हो जाइए, असी जागृत अवस्था चुनू माण सकीए, सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश साड़ी मदद करेगी। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है, रहाओ दे बन तो विचार का आगाज कर रहे हैं। फिर क्योंकि जिवें मैं बेनती की लमेरा शब्द है, जिन्ना समा अलाओ करेगा उहदे मुताबक असी इहदी विवेचना करांगे। साहब जिक्र कर रहे सीगे कि बल्लेहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई, शब्द चीन आत्म परगासिया सहजे रहा समाई। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई। गुरु तो बलिहार जाण की गल बाणी च अक्सर वार वार असी पढ़ते हैं। इत्थे भी गुरु अमरदास साहब कहिंदे कि मैं अपने
सतगुरु तो अपने गुरु तो बलिहार जाना, क्यों जिन साचे स्यों लिवलाई, जिसने मेरी लिव सच न ला देती। सच है अल्टीमेट रियलिटी, जिहड़ी असल है, हकीकत है। जो लिव एक कशिश, एक अंदर दी ऐसी अटैचमेंट जिहड़ी ना टुटिया टुट सके, ना उन्हों किसी लैवल ते कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर सके। बड़े पैशनेट वे दे नाल अंदर रूप दे विच बंदे नूं कोई अपील कर जाए चीज़। इस तरह जाणो कि हैगी ते वैसे गल थॉट्स दी है कल्ले दी, पर थॉट्स दे विच भी एक ऐसा लैवल आ जाना कि एक लगातार, जिवें मसीह कहिंदे आ, कोई चीज़ अंदर लगातार दुख रही है, आवाज़ दे रही है, लगातार प्रेरणा दे रही है, इंस्पिरेशन दे रही है, ये सारे रंग लिवदे ने। इस नूं जदों असीं सबसटेंस या मटीरियल लैवल ते देखदे हैगे आ, इहनूं क्रेविंग कहा जांदा है। किसी चीज़ बारे एक अंदर हर वक्त दुख दुखी चलती रहनी, आ मिल जे, आ मिल जे। जदों इसनूं असीं रिलेशनशिप च कहिंदे आ, फिर असीं इसनूं एसोसीएशन कहिंदे आ, कितें एसोसिएट हो जाना। जदों इसनूं संसारक तौर ते असीं एक वरतों विहार विच कहिंदे आ, ते फिर एक गहरी सांझ कहिंदे आ। ये रूप है सारा, पर एक्चुअली जे बिल्कुल साइकोलॉजिकल साइड ते आ जाइए, दैन इट्स ए इमोशनल स्टेज, जिहदे च जिवें बैराग की अवस्था की बात बाणी करती है। तो क्या गया कि जो बंदा वो हुंदा आ, फिर उन्हों जिहड़ी चीज़ वास्ते बैराग है, उस तो बिना कुछ भी चंगा नहीं लगता। लगता कि वह मिले, वह प्राप्त हुए, वह हुए ता ही तो कुछ लेखे च, अदरवाइज की फायदा आ। सो ये अवस्था जिहड़ी है, ये उस लिव की अवस्था के नाल ही जोड़ ली जाती है। सो साहब कहिंदे, मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना, जिसने ये लिव ला दी, जिसने कशिश पैदा कर दी, जिसने ख्वाहिश पैदा कर दी इस रूप दे विच। अज असीं डेफिनेटली विसाखी के पावन पुरब नूं समर्पित होकर वड्डे समागम अपने शहर च माणांगे नगर कीर्तन के रूप दे विच। पर इस नूं जे असीं पिछोकड़ च देखदे आ, ते आनंदपुर साहब दा ओह मंजर, मतलब जिवें खालसाई रवायात नूं अगे अगे सिख परिवार मानते गए, जिसी हिस्टोरिकली देखते हैं, तो फिर उन्होंने जो मैमरी के जहन के आनंदपुर साहब वाला वो मंजर सीगा 1699 वाला, उसनों फिर दोबारा वो लिव करते। एक्चुअली दैट इज़ द काइंड ऑफ जिन्हों उर्स कह लो है, जिन्हों असी जोड़ मेला कह दें, क्योंकि एक चीज़ हुई उस तो बाद फिर लगातार उसनों कहना भी इनू लिव करिए, दोबारा इनू दोबारा फिर लिव करिए। सो ये है, हाँ बदलते समय के नाल प्रवास के विच बड़ा हिस्सा कम्यूनिटी का माइग्रेट कर गया, उतों इतने आ गए। तो यह है कि बंदा जिवें बाकी सब चीज़ां नाल कैरी करता है, साडा फूड, साडी रहन सहन दियाँ आदतां, सब चीज़ां, तो फिर ये थोड़ा हो सकता अपनी हैरीटेज छड़ देंगे पिछे, वो भी तो नाल ही कैरी करांगे। सो आनंदपुर साहब नाल कैरी किया असी, सो उसनों असी मानना है। ये एक्चुअली ये रूप आया, जो सही रूप से कहा जाए थे कि उही चाहो जलाल, उही खालसी लाहो लश्कता, वो सब कुछ। पर जो उस हिस्टोरिकल ईवेंट नू देखते हैं, तो उस जमाने दे विच जदों अज वर्गा तो दूर की गल रही, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। वो भी शिवालिक की तलहटी दे विच, मतलब केसगढ़ की चोटी दे उत्ते उस रूप दे अंदर, तो इकट्ठ 80,000 का, मतलब इमेजिन करन तो ही परे है इस रूप दे अंदर। वाकई च गुरु का जलवा आ, ते फिर गुरु का जलवा भी ऐसा आ कि ये नहीं कोई उत्थे सारे कुछ किसी रौनक मेले नूं वेखण आए सीगे, नो ये तो उही लोग सीगे जिन्हां नूं पहले दिन तो सबक सिखाया गया सीगा कि ये नानक का राह आ, ते नानक का संदेश बड़ा क्लीयर आ। नानक कचड़िया से तोड़, कच्चे नहीं चाहिए, वो राह भी ना, वो मूह भी ना करे इधर, इतने तो वह चाहिए ने
जिन्होंने निभना है, जिन्हों वास्ते गुरु अल्टीमेट हकीकत है। बस जिथे जाकर उन्होंने लगता है कि साड़ी जिहड़ी जिंदगी है वह कंप्लीट हो जाती है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट। उस रूप दे विच है जिवें दरिया बड़ी दूरों वगदा आ, अखीर जो समुंदर जाता है तो कहिंदा भी उन्हों मंजिल पूरी हो गई। हुण सो ये रूप आ, वो गुरु ने इस रूप अहसास दे। सो उस जिन्हां दी अकीदत सीगा कि नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्के, वो पक्के संत लोग से, पक्के संत जिहड़े उस जहनी रूप में 80,000 का इकट्ठ उस रूप में उस उत्थे आमद रहिंदा आ। तो सारे कौन ने जिन्होंने कहा कि गुरु तो बलिहार ही होना, होर कुछ भी नहीं, गुरु के सामने सब कुछ वरसा देना, अपना आपा नवा देना, अपने आपे नूं गुरु के चरणों से मतलब पूर्ण रूप में उस डिवोशन नाल पूरे हुए लोग ने, उतों सारा मंजर निकलता है। जिस मंजर ने उस खिते की कंप्लीटली पूरी तरह, जिन्हों इंद्र भूषण बैनर्जी कहिंदा भी खालसा, वैन गुरु साहब क्रिएटेड ए खालसा, एक्चुअली इट वॉज ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट सोसाइटी। मतलब सोसाइटी की पूरी तब्दीली, उस खत्ते की पूरी जड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, तो वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल साइड पर एक हायर लैवल का स्टैंडर्ड जिहड़ा हैगा वह सैट कर दिता। जदों समाज लोग अध्यात्मी कदरां कीमतां नूं बड़े सिंसियर हो के पढ़नगे तो फिर जिवें हकीम अल्लाह यार खां जोगी कहिंदा ना कि अजे तो जमाना बड़ा पिछे तुरिया आया, अजे तो जमाना उस लैवल ते आ ही नहीं रहा, अजे तो जमाने नूं यही नहीं पता लग रहा भी किस तरीके नाल किहड़ी गल करनी है ते किहड़ी गल नहीं करनी। उहदे लफ्ज़ ने भी इंसाफ करे जी से जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। मतलब हकीम जी ने पूछे अल्लाह यार खां जोगी नूं भी एड्डी वड्डी गल कह रहे हो हर घर, कोई तुहाडा अपना रैशनल भी होएगा, पिछे कोई रैशनलिस्ट वे नाल गल दसो ना, असीं तो तारकक लोक, तर्क ही समझ आउंदा सानू, कई बार इमोशन दियां भावना दियां गल्लां समझ नहीं आउंदियां सानू, तो फिर उन रैशनलाइज कर दे। कहिंदे इंसाफ करे जी से जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। वो प्यार मुरीदों से, वो शफकत भी कहीं है, भक्ति में गुरु अर्श है संसार जमी है। कहिंदा जब गुरु वाल देखोगे तुहानूं पता लगेगा भगती का अर्श है गुरु, जब भगती का वह लैवल पुंगरदा उस तरीके दे नाल, हाँ वाकई च अर्श है गुरु। एक ऐसी जाच, एक ऐसा मंजर क्रिएट किया, बंदा तो ये शब्द होमे की गल आनी है सारी, असी तो मैं मेरी तो मंजर ही वो बाहर नहीं निकल सकते। लोग तो छोटिया छोटिया स्वार्थों के मारे हुए, लालच के मारे बात छोड़ो, खाण पीण का लालच ही बंदे तो काबू नहीं होंदा। मतलब खंडे बाटे की पाहुल जिहड़ी है, पाहुल धारी हो जाना। मैनू याद आ साढ़े एक स्कूल टीचर होंदे सी, ते एज्ड हो गए काफ़ी, ते कुछ इशूज़ भी हो गए हैल्थ रिलेटिड, ते कोई सज्जन वो मिलने वास्ते आए ते समहाओ गल्लां कर रहे आपस च, ते असी यू नो ईव ड्रॉपिंग हो रही है साड़ी, वी आर जस्ट लिसनिंग दैम विदाउट एक्चुअली लैटिंग दैम नो दैट वी आर लिसनिंग। ते उसनूं कह रहा कहिंदा भी मास्टर जी सेहत भी कोई थोड़ी ठीक नहीं रहिंदी तुहाडी, हुण तुसीं ना खंडे बाटे की पहुल लै लवो इस तरीके। तो मास्टर जी बड़ा तरला जिहा लै के कही कह रहे, कहिंदे नहीं नहीं तुहानूं पता अजे छोटे बेटे का विआह करना आ। तो कहिंदा फिर, कहिंदा फिर तुहानूं पता है विआह करना है, फिर सैलीब्रेशन भी होना आ, तो फिर प्याली नहीं पीती जानी। एक्चुअली जिन्हां नूं अजे वो प्याली पीण वाला दिस रहा हाली काम, उन्होंने की पता गुरु की है, सॉरी टू से, उन्होंने की पता गुरु लिख रहे इंद्र भूषण बैनर्जी, पर एहसास की है भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन गुरु की है, वो गुरु का कार्य की है सारा। इन्हों कहो भी तुम सिर दो तो फिर तुम लो पहल भुल जाओ। ये तो है कि
इसे करके मतलब प्यार लफज बहुत भावपूर्ण है। इस तो मेरे ख्याल से होर कोई वर्ड की कहांगे सीधे वास्ते। तो बाबा जी ने जो तखल्लस दिते ना उन्होंने टाइटल्स दिते, तो बाबा जी ने कहा भी देखो जे कोई देखना चाहता भी गुरु किनों प्यार करता है, ये गुरु दे प्यारे ने। बस इंतहा दी जिदे नाल गुरु की सांझ है वह प्यार है उत्थे। सो यह है कि जिन्हों एहसास होए वो कहता भी गुरु दे उत्तों ते अपना आपा बलिहार कर दिए। तो फिर गुरु ऐसा आया वो कहना तेन भगती जो समंजर से पहुँचा देंगा कि तू कहना तू मैं गुरु नूं प्यार करदा, गुरु तेनों प्यार करेगा, गुरु अपना आपा विच टका देगा तेरे, तू गुरु रूप हो जाएगा, पंथ नूं गुरु दे रुतबे ते लियांदा। एक इस तो वड्डा रेवोल्यूशन नहीं कितने नज़र पएगा कि जेडे किसी मास्टर दे डिसाइपल्स हैगे ने वो डिसाइपल्स जेडे ने दे एक्चुअली गैट द पोजिशन एज ए मास्टर। ये जिहड़ी रूपता आ मतलब गुर चेले दे उस परंपर पार्टी नूं इसनूं जदों मानदा एक गैर सिख मोमन लखारी वह कहिंदा कि भक्ति में गुरु अर्श है संसार जमी है, उल्फत के ये जज्बे कहीं देखे नहीं हमने। उल्फत मुहब्बत नूं कहा जांदा, यह मुहब्बत की इंतहा आ, गुरु दे खलूस की इंतहा आ कि गुरु उस जज्बे का तार नहीं होंदा, तो उस जज्बे च आ के अपना आपा अपने सिखा नूं सारा ही समर्पित कर देना है। कहिंदा उल्फत के ये जज्बे कहीं देखे नहीं हमने, है देखना तो एक बात सुने भी नहीं हमने। कितने सुनिया भी होए पी एवें कितने होया होए नहीं, वह मंजर आ। सो उस मंजर नूं सिख हर रोज हर मोमेंट लिव करे बिल्कुल, पर जो साल का समा विसाखी आए जो वक्त आए उदों तो लिव करे डेफिनेटली, क्यों ना करे। वो उसनू वार बार उन्हों अपनी सुरते च एहसासे, वार बार अपनी सुरते च उसनू लैके आवे कि मेरे गुरु ने किया की सीगा, गुरु मेरे का मंजर आ, ये गुरु मेरे की नवाजिश है बड़ी वड्डी। सो ये भी है कि चलो होर कुछ नहीं तो कुछ समा गुरु डेडिकेट किया जाए, होर कुछ नहीं कुछ अपनी जीवन की एनर्जी उस पासे लगाई जाए, होर कुछ नहीं अपने यार परिवार अपने समाज के आले दुआले दस्या जाए मेरा गुरु कैसा सीगा, मेरे गुरु ने मैनू की दे के नवाजिया है। सो इस किस्म के नाल बलिहार जाने की बात है, ऐसा ही अंडरसटैंड बनती है। महाराज ने जो इतने बचन किया गुरु अमरदास साहब ने, बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे स्यों लिवलाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया, शब्द चीन आत्म प्रगासिया। जदों शब्द की सोझी आ गई ना चीन मिनन दा पहचानना, किसी चीज़ नूं डीप लैवल ते जान लेना अंडरसटैंड कर लेना, शब्द की ही अंडरसटैंडिंग बंदे नूं आत्म प्रगास इनलाइटड करती है। अदरवाइज मैं जिवें हुणे गल कीती ख्याल ही है मतलब कि मैं कुछ खास किस्म की चीज़ पी के खा के खुशी महसूस कर सकता हाँ, ये मेरी सोचने का तरीका ही है। जिहड़ी चीज़ एक वारी मतलब जीभ आ जीभ ते हलक तो थले उतर गई ते की मतलब मिठा ते की मठा इको कुछ ही है, ये सोच दा ही ढंग है। बंदा जिन्ना चीज़ां नूं सपोज जिवें लोग कहिंदे कि कुछ चीज़ां मतलब खा के पी के साडे अंदर एक डोपामाइन रिलीज हो जाती है, तो वो असी हैप्पी महसूस करते हैं मस्ती महसूस करते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ कहिंदियां ने यह सोचण दा ढंग है। सेम सोर्ट ऑफ डोपामाइन पीपल कैन एक्चुअली फील ईवन इन डे टू डे लाइफ वैन दे लिव देयर लाइफ इन ए वे वेयर दे फील दैट हैप्पीनैस, जो उस खुशी नूं महसूस करते हैं उस रूप के अंदर। जिथे ये बनया गया कि बंदा किसी परोपकारता दे अंदर सेवा दे अंदर मानवी भले दे अंदर जीवन दे एक हायर लैवल दे परपज़ वास्ते एक चंगेरे मकसद वास्ते तुर पवे वो दे अंदर दी सारी दुनिया बदल जाती है। सो इत्थे जा के शब्द चीन जदों शब्द दी ज्ञान दी धारा समझ आ जाए जदों ये चीज़ पकड़ च आ जाए, क्योंकि ये भी रंग है
गुरु ने कोई जनूनिया का ग्रुप नहीं सी कट्ठा किया, एक जनूनी लोग कट्ठे किए तो उन्होंने कहा भी भाई बस आ इस तरीके ये वक्ती तौर पर कोई दो चार दिन की लड़ाई जंग हो सकती है, बस इस तो बाद नहीं हो सकता। जिस किसी स्कूल ऑफ थॉट नूं पक्के पीड़े पैरों से स्थापित करना होए उहदे लई ते बहुत अंदर जिहड़ी आ रोशनी चाहीदी है, रोशन दिमाग होना पएगा। उत्थे ते महाराज ने उन्हां लोकां नूं इसे करके भावें राजपूत राजे सी ते भावें मुगल हुक्मरान ते उन्हां दे फ्यूडल सिस्टम दे च जागीरदारी निजाम दे विच अहुदेदारियां मानन वाले ते अमीर वजीर शमीर जिहड़े सीगे उह कहिंदे सी गुरु साहिब किहड़ी इह किहड़ियां गल्लां कर रहे ने, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये लोग गरीब गुरबे कसियारे लोग ये कितने कितने पहुँच जाएंगे, इस एस्टैबलिशमेंट नूं तोड़ना कोई कोई खाला जी का वाड़ा आ ना 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 ना। पर उन्होंने ये नहीं एहसास कि यह चीज़ जिहड़ी है, जिवें प्रिंसीपल सतबीर सिंह लिखते भी जदों शिवालिक दियां पहाड़ियां दी गगन चुंबवी जिहड़ी है चोटियां तक नगारियां दी चोटां दी आवाज़ जांदी है गूंजदी है तो बंदा सोचता नगारा वजदा कला, वो कहिंदा नहीं असल च इस नगारे दी जिहड़ी पाया आ जिहड़ी शुरुआत आ वो इत्थों नहीं होई रबाब तो होई है, ये रबाब तो नगारे दा सफर है सारा, रबाब दियां तरबां शब्द दियां तरबां ने, शब्द दी असल च ये सारे दी सारी नवाजिश आ। जिवें तो ये वड़े वड़े स्कॉलर लोग भी कई बार इस समझने फेल हो जाते हैं कि यह बात किस तरीके की है, जिवें उलामा इकबाल एक जगह लिखता है कहिंदा मैं तुमको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, कहिंदा मैं तुहानूं दसदा भी उम्मत की तकदीर किवें घड़ी जाती है, उमम तक उम्मत नूं कहा जाता कौम की तकदीर, कहिंदा तेगे सुनान अव्वल आबे रबाब काफर, कहिंदा भी जे ते कौम ने तेग चक ली तो तेग दे धौंसे खड़का दिते तो समझो अव्वल हो गई, तो जे रबाब सुनन लग गई रबाब वजाउन लग गई तो फिर समझो खत्म हो गई। बिल्कुल ये ओपोजिट असी देखते हाँ सिखी आशे दे विच क्या गया ना जो कुछ खड़ेगा किसी आत्मक शांति ते खड़ेगा, रबाब तो शुरुआत होंदी सारी बाणी ही असल विच तुहाडा कल्याण करेगी, जे बाणी दा उह राह पकड़ोगे असूलात्मक पक्ष नाल अपने आप नूं परपक करोगे दृढ़ करोगे फिर एक मंजर आएगा। इस करके जदों सिख रेवोल्यूशन की गल होंदी है तो मोस्टली जिहड़े हिस्टोरियनस जिहड़े बिल्कुल कह लो कि जिन्हां दी बहुत उमदा अप्रोच है हिस्टरी दे लिटरेचर दे उत्ते उह कहिंदे भी गुरु साहिब हैज़ क्रिएटेड ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक संपूर्ण जिन्हों कह लो कि हाँ एक क्रांति जिहड़ी सुरजीत की गुरु साहब ने। संपूर्ण कदों होंदी है जदों मनुख संपूर्ण हो जाता खालिस, अदरवाइज मतलब अंडर द नेम ऑफ सो कॉल्ड रेवोल्यूशन लोग मतलब कहिंदे एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वैन यू गोइंग थ्रू सम सोर्ट ऑफ वार दैन हू केयर अबाउट द एथिक्स, हू केयर केयर अबाउट द प्रिंसिपल्स, हू केयर अबाउट द ह्यूमैनिटी, बट ऑन द अदर साइड वैन वी गो थ्रू द सिखी दैन उत्थे सारी गल ही असूल दी है प्रिंसीपल दी है, उत्थे जित हार दा संकल्प हो जा नहीं हैगा, उत्थे जिहड़ी सिर्फ कली वैपन हैंडलिंग नहीं हैगी उस तो पहला बंदे ने अपने नफ्स नूं अपने कैलीबर नूं हैंडल करना आ, बंदे ने अपने किरदार नूं हैंडल करना आ, बंदे नूं दर्साया जाना आ कि देख तू बाहरले राक्षस मारी बाहर दे जालम मारी बाहर दे तू जिहड़ा है इन्हां यवनां नूं मारी, पर जे तेरा अंदर का यवन ना मरिया जंदर दी राक्षस ना मरिया बाहर मार के की करेगा, लड़ ली बाहर आके पर अंदर ते यह है शब्द चीन ते अंदर दे राक्षस नूं ते शब्द मारेगा ना, गुरु शब्दी गोबिंद गजया गोबिंद कला शमशीर पकड़ के नहीं गजदा स्टेज तो शब्द नाल गजदा है, जो शब्द नाल सुरत च गजदा है तो फिर अंदर की सफाई होंदी है, जिन्हों महाराज ने बाणी च इस तरह बयान किया कि जो जन लूझ है मनह स्यों से सूरे प्रधाना, जिहड़े मन नाल सिजदे ते लुझदे ओ फिर प्रधान सूरे बणदे, इहो ही ने पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान, गुरु की दरगाह गुरु की कोट च माण है उन्होंने इन्ना वड्डा माण आ किड्डे वड्डे इकट्ठ दे विचों गुरु के सामने कोई मतलब अपने
कोई जीवन की छोटी मोटी चीज किसी को समर्पित करने लिए तैयार नहीं होता, पूरा जीवन समर्पित करने लिए तैयार हो गए। सो यह रूप जिहड़ा आ इह शब्द चीन के आउंदा आ, जदों अंदर उस शब्द की उस सुरत दे लैवल ते बंदे नूं समझ आउंदी ना। महाराज कहिंदे भी जो जन लूझ है मन से ऐसे सूरे प्रधाना, हर सेती सदा मिल रहे जिनी आप पछाना, जिन्हों पता लगा भी आपे दी पहचान आ गई, मैं तो करतार दी असल च लो हाँ, मैनू त्या गुरु दे नाल मर्ज हो के संपूर्णता मिल जानी है। मेरा वजूद जिवें दानशमंदा ने कहा कि सपोज कोई दरिया तुरिया आया तो समुंदर दे कंढे आ गया बिल्कुल, तुन लाग लगा के ओ माई गॉश, जे मैं थेम रहना है, जे मैं सेंट लॉरेंस रहना है, जे मैं नील रहना है, जे मैं गंगा रहना है, तो फिर तो मैनू ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो वो पै गया तो फिर ना वो सेंट लॉरेंस रहेगा, ना वो थेम रहेगा, ना वो नील रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो एक हो जाएगा। ये है कि हर सेती सदा मिल रहे जिनी आप पछाणा, जिन्होंने पता लगा भी वो इस सागर से तो आया, सागर च मर्ज कर जाना। इस करके जिहड़े गुरु के सामने अपना सीस लैके पहुँच गए ना, उन्होंने पता लगा कि गुरु तो मैं दो थोड़ा एको ही रह गया, गुरु विच ही आ जाना, मर्ज कर जाना। इस शब्द चीन है, आत्म प्रगासिया दोज आर द इनलाइटेड वन। फिर मैं बेनती कर दिया, ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का थ्रैशहोल्ड आ, इत्थे रूहानियत जिहड़ी है बिल्कुल बंदे का रेशा रेशा रूह दे उस एहसास नूं माणदा, सच दे एहसास नूं माणदा, सच्यार हो जाता बंदा। ये लफ्जां च कई वारी बात परोई भी नहीं जाती, ये रूप है इहदा। इस करके अजे मैं उलामा की बात कर रहा सी, मतलब हकीम अल्लाह यार खान जोगी जी दी, वो बंदा एवें नहीं गल कर रहा, वो जदों ये बयान करता ना कि तीर्थ नहीं कोई रूए रोशन के बराबर, दर्शन तेरा दस गुरुओं के दर्शन के बराबर, गुरु गोबिंद सिंह साहब, वो कहिंदे भी एक पूरा वेव आ रही सी इस तरीके दे नाल, तिथे आको वेव जिहड़ी है सारी दी सारी आ गई है, इकट्ठी हो गई है। कहिंदा भी जिथे मर्जी तुर जाओ तुसी, जदों रूए रोशन होण दी गल होएगी, बिल्कुल दग दग करती हुई शमा नूं मानना होएगा, उदों फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब की इस लोह नूं देखिया जाके तुहानूं पता लगेगा। बस ये देख के मतलब जिन्हें इस लाट नूं एक वारी वेख लिया, इस लाट की इस रोशनी की खूबी यह है कि वह वापस मुड़ेगा नहीं, वह परवाना हो जाएगा, क्योंकि रंग ही ऐसा है दा। ये रूप आ शब्द चीन, आत्म प्रगासिया, इनलाइटड हो गया, रोशन दिमाग हो गया। बड़े मंजर ने चीजा उस रूप में, कई बार एक छोटा जा रंग है कि वाइंड अप कर देना शब्द व्याख्या वास्ते। चलो साढ़े को मेरा शब्द है अज, असी तवारीख च पढ़ते हाँ, नादर शाह दुरानी ने भारती खिते च बड़े हमले किए, बड़ा लुटिया खसुटिया इन्हों, पर उन्होंने गुरु की उम्मत नीलिया बाणिया वाले या केसरी निशान साहब लैके तुरे फिरन वाले, जिन्हों का जड़ा उस वक्त की वसों से घोड़िया की पिट सी, घोड़िया की काठी कहें, काठी तो मुयसर ही नहीं सी, पिट सी घोड़िया की, कुछ भी नहीं सी। तो उहदे च होया ये कि उसने लाहौर के गवर्नर नू मीर मनू नू यह कहा भी मैनू इन्हां दी, मैं जिहड़ा किसी तरीके दे नाल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुसीं फड़ो इन्हां नू, इस तरीके नाल करो, वह फड़े कित्थों। अखीर उन्हें कहा भी गल यह है भी आखिरकार नादर शाह तो अफगानों आउंदा, उन्हूं की पता इत्थों दे कल्चर का सारे कासे का। उन्हें स्कीम यह बनाई, लाहौर के नेड़े मराशियां दे घर बंदे भेजे, तो मराशियां नूं कहा भी गल ये है तुहानूं पैसे मिलणगे, तुसीं ना सिखां दी तरह एक्टिंग करनी है। ओह कहिंदे सिखां दी तरह पागल हो तुसीं, तुसीं मार दिओ सिखां नूं। कहिंदे नहीं नहीं पैसे जाएंगे तुहानूं, तुहानूं कहांगे तुसीं बस ना सिखां तरह एक्टिंग करनी है, जिवें सिख तुरदे फिरदे खांदे पींदे इस तरीके दे नाल, ते फिर तुहानूं नादर शाह दे सामने पेश करना।
ठीक है जी, उन्होंने सिखा की तरह कपड़े पाने सब कुछ लम्मा कटनिया छड़तियां इस तरीके। जो तो चार कदन एवं तुरे तो सारा पिंड सारा गिरा उन्होंने तो सलाम करे फतेह बुलाए। ओ माई गुडनैस, हालत यह बन गई। अखीर करद्या करा वो दिन आ गया जिद नादर शाह के सामने पेश करना सी। एक कोई अफसाना नहीं, रियलिटी है। इट्स एक्चुअली साढ़े बंद ने सरकारी कागजा चो चीज कोट की। जिदन नादर शाह दे कोल लाहौर दरबार पेश करना सीगा, उधर कितने जान लगे पे अज नाम वगैरह जो निकल लगे पिंड दे विचों किसी शख्स ने रंग देनु क्या देखिया जे आ जिहड़ी पग बनी है सिखां दी है, लज ना ला दिया जे। ओए होए, अंदर ते धू पै गई, आ की बनिया। जिन्ने नूं उत्थे पहुंचे उन्ने नूं अंदर सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उत्थे जाके तो कहिंदा जी आ फड़ लिया ने सिखा, देखो। नादर शाह नूं कहिंदा गवर्नर, ए हुणे माफिया मंगणगे जी, ये करनगे। तो वह कहिंदा मराशी नूं इशारा करे, मराशी कहिंदे मरदे मर जांगे, सिख दी पग है, लज नहीं लगण देंगे। वह कहे हद हो गई, आखिरकार मुसीबत यह बन गई। वह दरबार दे विच खून ही खून डुल गया। उन्होंने नादर के सिपाहियों के जिहड़े ने उन्होंने खंजर धूले तो सीधे हो गए। उत्थे ऐसा मंजर बन गया, पांच सत नादर शाह के बंदे जिहड़े मराशी लैके गए थे जिन्होंने बना के लगे डुप्लीकेट सिख, वो उत्थे कतल हो गए। नादर शाह कहिंदा हद हो गई, कहिंदा इन्ने ये लोग इन्ने बजिदिए इन्ने सिरड़ी। वो गवर्नर कहिंदा जी शाह जान की माफी चाहांगा, असली सिख नहीं सी। कहिंदा असली हुंदे फिर तो पता नहीं की हो जाना सीगा, ये तो बना के लैंदे सीगे, असी तो डुप्लीकेट सीगे। ये रियालिटी है जी। शब्द चीन आत्म परगासे, ये शब्द है। जे किते बंदे दी सुरते च आ जाए बंदा वाकया च ही बंदा ना रहे, वो दे हो जाए। जिहड़ा महाराज बलिहारी गुरु तो जाण दी बात कहा सा दी वार पढ़दे, बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार। क्यों? जिन मानस ते देवते की है, सिख देव हो गया। इसनू बचन भी क्या भी मतलब जिहड़ा सिख रूप आ ये दैवी गुणा का मुजस्म हो जाएगा। मैं तो मुकदी गल इत्थे आके मुकाउना कि बस इन होर की कहांगे असी। मतलब महाराज की बाणी कहिंदे ना, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। इत कितें उह भागता सीगी कि गुर मंजर सानू मानण दा, इस गुरु दे नाल आत्म साथ होण दा सबब मौका सानू महाराज ने बख्शिया आ। अपने आप ते माण महसूस करो, ऐसी विरासत दे मालक हो। ऐसी गुरमत गाड़ी राह नूं गुरु साहब चला के गए, इस धरती दे उत्ते एक ऐसा मंजर स्थापित किया जिन्हों सोच के सुन के एहसास के अंदर विस्माद आता है। बाबा तरस करे बाणी दे आगोश सुरतम आवे, बाणे दे जरिए साडा जीवन इस धरती दे उत्ते जीण दे काबल हो जाए। बाणे दे जाविए चो असीं अपने जीवन नूं मानना शुरू कर दईए। इन्हीं क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चतारनियां। डेफिनेटली सारा दिन दीवान चलनगे, टाइम टू टाइम आई विल बी इन संगत टू। सो आओ अज एक वड्डे दिन नूं माणीए इस रूप दे विच जो संगतां करां थावां तो सुन रही ने। डेफिनेटली अराउंड नगर कीर्तन दोपहरे शुरू हो जाना है। वैदर थोड़ा चलता रहेगा जिस तरीके सिला मिला उस रूप में जिमें वैदर कहा जा रहा है, बट स्टिल एक्चुअली जो उत्साह है संगतां दा, यू कैन सी आउटसाइड ऑलरेडी आई वॉज कमिंग फ्रॉम द फिंच साइड एंड एवरीवेयर आई कैन सी द संगत एंड होल अरेजमेंट्स। इतने समापन करते हैं जी। अगला दीवान भाई साहब लैके आएंगे, मैं इजाजत देनी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।